हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि ये सभी एमसीक्यूज हमने लिए हैं एड्यूका जोन के सैम्पल पेपर्स में से। ये सैम्पल पेपर्स बहुत ही अमेजिंग है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर आप मार्केट में से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, सभी ऑनलाइन साइट्स पर ये आपके लिए अवेलेबल है। ये एड्यूका जोन के सैम्पल पेपर इतने अमेजिंगली डिजाइन करे गए हैं कि इनकी हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। सभी एमसीक्यूज को हमने एड्यूका जोन के सैम्पल पेपर में से लिया है। इन्हीं एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास रहेगा, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24। मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 के इक्वल है। हमें मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है। जेड का फॉर्मूला एम्पेरिकल रिलेशनशिप सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी, 3m - 2x बार। तो जेड का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 3 times of median - 2 times of mean and - m = 24। तो 3 times of median - median हो जाएगा 2m - 2x बार = 24। तो 2 कॉमन आ जाएगा, m - x बार = 24/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें मीडियन और मीन का ही डिफरेंस फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आ गया 12 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मीन हमें गिवन है 9, हमें x और y में रिलेशन बतानी है। सो इसमें हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 = हम मीन की वैल्यू डाल देंगे 9, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा x + y + 35 = 54। ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x + y = 54 - 35। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। x + y हमारे पास आ जाएगा 19 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को ध्यान से समझना है। 1, 2, 3 अप टू एन सोन एन नेचुरल नंबर है, इनका मीन निकालना है। तो पहले हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2, 2 × a। a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस n - 1 × d, d की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। एपी वाला चैप्टर सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका सम आ जाएगा n (n+1/2)। ये सभी ऑब्जर्वेशंस का हमारे पास क्या आया है, सम। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास कितना है, n (n+1)/2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो n हो जाएंगी, n से n कट, तो हमारे पास मीन कितना हो जाएगा, n+1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हूज मीन इज 8.32 एंड मीडियन इज 8.05। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था एम्पेरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला, z = 3m - 2x बार। मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को m से और मोड को z से। तो z = 3 × 8.05 - 2 × 8.32। तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 24.15 - 16.64, और माइनस करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड होगा 7.51। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास डाटा गिवन है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जिसको हम बोलते हैं वो निकालनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट क्लास में सेम रहती है 10, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी 25, उससे नेक्स्ट क्लास में हमारे पास आ जाएगी 37। ये सबको पता है, ये ऐड होते चला जाएगा नंबर इसमें, फिर 37 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57, और 57 में 9 ऐड करेंगे तो 66। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल 66, n/2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33। अब 33 कौन सी क्लास में लाया करेगा, 33 लाया करेगा इस वाली क्लास में। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। ये लॉन्ग क्वेश्चन में सभी बच्चों ने सीख लिया होगा मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। सो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास हो गई 10। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसमें, 20 में। तो ये वाली क्लास कौन सी क्लास हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 15, और इन दोनों का सम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 15। अभी हमने डिस्कस करा था ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, n+1/2। तो n+1/2 हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है n नेचुरल नंबर का, और वो किसके इक्वल दे रखे है, 15 के इक्वल। तो इसको हम 15 के इक्वल रख देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे,
एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 32, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा इज 434। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू 434 प्लस एक्स एंड द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स, एक्स बार की वैल्यू हमें एक्स दे रखी है, तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स। सिग्मा एक्स आई है 434 प्लस एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15 इज इक्वल्स टू एक्स, सो 434 इज प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15x, तो एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14x की वैल्यू होगी 434, एक्स कितना हो जाएगा 434 डिवाइड बाय 14, और इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन, इसका मीनिंग क्या, डेविएशंस, डेविएशन मींस डीआई, डीआई का जब हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, अगर हम डीआई की वैल्यू निकालें एक्स आई माइनस एक्स बार से, कि एक्स आई हमारे पास सभी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें से हम एक्स बार को माइनस करते चले जाएं, तो जो डेविएशंस आएंगी उन सभी डेविएशंस का जब हम सम करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल। सिग्मा डी आई इज ऑलवेज जीरो अगर डी आई को हम एक्स आई माइनस एक्स बार में से निकालते हैं, मतलब मीन में से अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9th के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोड इज अ लीस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा 10th क्वेश्चन का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा करोगी वही हमारा क्या रहता है, मोड रहता है आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जरूर परचेज कर लीजिए एडिगा जोन के सैम्पल पेपर्स अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन करा गया है कि आपको सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, फिर चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, assertion reason based question, case based question, जो भी question CBSE के paper pattern के according है, वो सभी questions आपको इसमें मिलेंगे, CBSE के design करा हुआ sample paper के according ही इसमें आपको sample papers मिलेंगे, Adiga Zone के sample papers में। इससे आप अपने CBSE exams की preparation को अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन marks score कर सकते हैं। अपने exams की preparation के लिए जरूर purchase कर लीजिए Adiga Zone के sample papers। Next question है question number 11, मीडियन ऑफ द डाटा, ये जो डाटा हमें गिवन है ये सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही रहता है हमेशा, जब भी मीडियन में मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, मीडियन हमें गिवन है 27.5, ये मीडियन की वैल्यू है, और मीडियन हमारे पास होती क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू। तो अगर हम इस डाटा में देखें थ्री वैल्यू स्टार्टिंग की और थ्री वैल्यूज लास्ट की छोड़ दे, तो ये दोनों कौन सी वैल्यूज है, ये मिडल मोस्ट वैल्यूज है, तो इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन टू, वही मीडियन के इक्वल रखा जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 55, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, सो 2x इज इक्वल्स टू 50, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एक्स फाइंड करना था, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की मीडियन निकालें, मतलब उनकी मिडल मोस्ट वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7, सभी को पता है प्राइम नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल हो, बाकी किसी टेबल से डिविजिबल ना हो, तो ये स्क्रीन पर आपके सामने फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं, तो अब इसमें मिडल मोस्ट वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, 11 प्लस 13, क्योंकि ये दोनों हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, सबसे मिडल में लाया कर रही है दोनों 10 नंबर्स के बीच में, तो 11 प्लस 13 इन दोनों का एवरेज हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी मीडियन 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा इज 10, अर्थमेटिक मीन मीन्स सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, किसके इक्वल दे रखे 10 के, तो अगर हम एक्स आई एड मतलब सभी ऑब्जर्वेशन को एड करेंगे तो एक्स फिर एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12 अपॉन में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑब्जर्वेशन है इक्वल्स टू में हम रखेंगे 10, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स एक्स को ऐड करना है तो 5x, नंबर्स ऐड करेंगे 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 और 12 30 और इज इक्वल्स टू 50, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 5x की वैल्यू हमारे पास रहेगी 20 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर मींस 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू n, इन सब का मीन निकालना है, तो पहले हम इन सब का सम निकाल देते हैं, सम ऑफ एन ऑड
नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने एन नेचुरल नंबर्स का निकाला था, ऐसे इसमें हम और नेचुरल नंबर्स का भी एपी के हेल्प से निकालेंगे। एन अपॉन टू, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर डी की वैल्यू जो टू हो जाएगी, तो एन अपॉन टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा एन अपॉन टू इंटू टू एन, क्योंकि प्लस टू माइनस टू कट हो गए, फिर ये अगेन टू एन टू कट हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर हमारे पास आ गया इन सब का सम। तो इनका मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हमारे पास है एन स्क्वायर और एन की वैल्यू एन ही है, तो हमारे पास मीन जो आ जाएगा एन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, कि अगर कभी भी ऑड नेचुरल नंबर्स का हम सम निकालेंगे वो एन के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अभी अभी हमने निकाला फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो मीन आता है वो एन के इक्वल ही आता है, और वो हमें किसके इक्वल दे रखा है, एन स्क्वायर अपॉन 82। ये 81 है इस क्वेश्चन में, मिस प्रिंट 82 आ गया है, तो 80 एन स्क्वायर अपॉन 81 के इक्वल वो दे रखा है, तो इट इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे एन को एन स्क्वायर अपॉन 81 के इक्वल रखेंगे, तो एन स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल्स टू 81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एन को उधर ले जाएंगे, 81 को उधर ले जाएंगे, कटिंग होके एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 81। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 81। होप्स आपको सभी एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।